पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने रविवार को शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में गुड़िया मामले में एक फॉरेंसिक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। विनय शर्मा ने एसआईटी द्वारा पकड़े आरोपियों की मामले में संलिप्तता की बात कही है, साथ ही मामले की दोबारा जांच की मांग उठाई है। उन्होंने सीबीआई द्वारा कोर्ट से रिपोर्ट छिपाने पर भी सवाल उठाए हैं। पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान गुड़िया मामले में एक फॉरेंसिक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। विनय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में खुलासा किया कि ये रिपोर्ट गुजरात गांधीनगर फॉरेंसिक लैब की है, सीबीआई ने ये खुद करवाई थी। हालांकि ये रिपोर्ट गुड़िया प्रकरण से जुड़े सूरज लॉकअप हत्या मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। रिपोर्ट 17 अक्टूबर 2017 को आ गई थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट और स्पेशल कोर्ट चक्कर से भी इस बात को छुपाया। फिर चंडीगढ़ कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में पूर्व में एसआईटी द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के एक्सपीरियंस नॉलेज की बात है। सीबीआई पर आरोप लगाते हुए पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने कहा कि अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से रिपोर्ट छुपाई। उन्होंने मांग की है कि मामले की दोबारा जांच हो ताकि किसी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी बच ना पाए। सीबीआई के कहने पर इन लोगों का जो एसआईटी में है, एसआईटी द्वारा जो लोग पकड़े गए थे, उन लोगों को गांधीनगर ले जाया गया। वहाँ अपनी मर्जी से उनका ये टेस्ट करवाया गया और उस टेस्ट रिपोर्ट को सीबीआई के पास ये रिपोर्ट आ गई थी 13 अक्टूबर 2017 को, लेकिन सीबीआई ने ना तो इसे हाईकोर्ट के सामने लाया, ना ही इस रिपोर्ट को उन्होंने लोअर कोर्ट में जहां ये ट्रायल चल रहा है वहां लाया। और इस रिपोर्ट में रजिंदर, सूरज, लोकजन और जो दो और हैं जो एसआईटी ने पांच लोग पकड़े थे, इन लोगों की पूरी मैंने आपको बात बताई कि उन्होंने पूरी जो वहां पे क्राइम हुआ है उसको ए टू जेड उन्होंने एडमिट किया है। नार्को टेस्ट में या जो भी ये टेस्ट आए हैं इनमें ये चीज़ एडमिट हुई है। सिर्फ दो बंदों ने कबूल किया और दोनों ने ये बात मानी है कि सफ़ेद सलवार गुड़िया ने पहनी थी और जो वहाँ पर हिमालय ऑरेंज शराब मिली है उसकी भी इन लोगों ने पुष्टि जो है अपनी एडमिशन में की है। उसके बाद उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक जब तक वो मर नहीं गई उन्होंने उसका सारा कुछ बताया। अब सवाल आ रहा है कि प्रदेश में गुड़िया हेल्पलाइन खोली गई है लेकिन उसी बच्ची को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। उसके दरिंदे जो हैं वो आपने देख लिया कि खुलेआम घूम रहे हैं और एक चरानी को पकड़कर अंदर कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री से उनके जो परिवार के लोग हैं, माता पिता, वो गुहार लगा रहे हैं कि हम इस जांच से सहमत नहीं हैं क्योंकि इसमें एक चरानी को पकड़ा गया है और 5.5 फुट की गुड़िया जो है बेल बिल्ट है वो अकेला चरानी ये काम नहीं कर सकता था। और फोरेंसिक रिपोर्ट में भी ये आया है कि एक से ज़्यादा लोग इसमें शामिल थे और इन लोगों के जो टेस्ट हुए हैं उसमें ये लोग मान चुके हैं कि यही एक्यूज़ हैं। अब ये सरकार पर है, माननीय हाईकोर्ट पर है क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर ही सीबीआई का गठन किया गया था इस मामले की जांच के लिए। लेकिन सीबीआई जो है वो अपनी 10-12 रिपोर्ट जो भी उन्होंने सील कवर में डाली हैं क्या उसमें इस रिपोर्ट का जिक्र किया है? मुझे नहीं लगता किया है क्योंकि अगर वो जिक्र करते तो माननीय हाईकोर्ट ये पूछते कि आप इन लोगों को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं। अब सवाल ये आ गया कि इन पाँच लोगों को क्लीन चिट क्यों दी जा रही थी और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम हाई कोर्ट से दोबारा प्रार्थना करें कि आपको गुमराह किया गया है इस मामले में और ये रिपोर्ट जो है कॉन्ट्रेरी है, जो सीबीआई की जांच है उससे कॉन्ट्रेरी है और ये किसी तीसरे पार्टी की नहीं है, सीबीआई की ही रिपोर्ट है।
इसका मतलब हाई कोर्ट को गुमराह किया है, प्रदेश के 70 लाख लोगों को गुमराह किया है ताकि पिछली सरकार को बदनाम किया जा सके और SIT को बदनाम किया जा सके। अब हाई कोर्ट से हम निवेदन करेंगे कि इस रिपोर्ट को संज्ञान में ले और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं बहुत ज़्यादा कि री इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो सकती है, वो इसलिए कि अगर वो चरानी दोषी है तो उसे छोड़ा ना जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उसको छोड़ा जाए, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो उसे छोड़ दिया जाए और जो असली गुनहगार है उन्हें सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।